वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 6 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? कितना प्रोड्यूसर एंड कितने डायरेक्टर इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आकर नेशनल मीडिया में अपनी फिल्म के रिलीज से पहले एक एक घंटे एंड डेढ़ डेढ़ घंटे के इंटरव्यू दे। वेल फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले कहा था प्रमोशन करना है, सिटी टूर करना है, इंटरव्यूज देना है, फिल्म के रिलीज के पहले करो, जितना प्रमोशन करना है इंटरव्यू देना है करो। एंड गाइस, संदीप रेड्डी वंगा एंड टीम यहां पर वो ही करते हुए दिखाई दे रही है। वो लोग मैसिव प्रमोशन कर रहे हैं, सिटी टूर कर रहे हैं एंड कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑनलाइन आकर ये मुंह पे बोल के जा रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग 50 करोड़ ओपनिंग ऑन द फर्स्ट डे ओनली इंडिया, यस नेट कलेक्शन। प्रोड्यूसर लोग को मालूम भी नहीं है क्या होने वाला, उनकी खुद की फटी हुई रहती है, मुंह से क्या निकल जाएगा पता नहीं। संदीप रेड्डी वेंगा ने पूरा स्टडी कर लिया है कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी चल रही है, तेलुगु में क्या चल रहा है। एंड कल उस बंदे ने तेलुगु में एक घंटे का इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने मुंह पे बोल दिया है कि मेरी पिक्चर सिर्फ इंडिया में पहले दिन 50 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। दिस इज कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट एंड वो पहले ही बोल रहा है 3 घंटे 21 मिनट की पिक्चर है, प्रॉमिस करता हूं कि तुम लोग एक भी मिनट जो है वो बोर नहीं होने वाले हो। सो दिस इज अ कॉन्फिडेंस ऑफ संदीप रेड्डी वेंगा ऑन हिज फिल्म। लेट्स सी गाइस क्या होगा। उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग हाई पॉइंट है मेरे पिक्चर का, 15 मिनट पे एक हाई पॉइंट आएगा, 44th मिनट पे एक हाई पॉइंट आएगा। उसको लिटरली टाइम स्टैम्प्स मालूम है जहां जहां पब्लिक को गूज़बम्स आएंगे, तो एक्साइटमेंट लेवल जो है और बढ़ जाती है एंड एडवांस बुकिंग तो एकदम पागल हो रही है। बात करेंगे एडवांस बुकिंग की फिलहाल हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग फिलहाल 12.40 करोड़ की हुई है। यस फ्रेंड्स, 12.40 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ये बात याद रखना। दिन में वापस से हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली और कितनी हुई है। एंड टिकट सोल्ड आर 4,02,000, 4,02,000 टिकटें बिकी है एंड एवरेज टिकट प्राइस और कम हो चुका है, 240 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस रखा है। गाइस, दिस इज नॉट अ ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग। हमने जैसे सोचा था कि 300 होगा, 305 होगा, 240 रुपए में पिक्चर दिखा रहे हैं लोग एंड 7,742 शोज। अभी भी वो ब्लॉकबस्टर 12,000-13,000 शोज जो है वो शुरू नहीं हुए हैं। दिस विल बी अ रिपीट ऑफ अ गदर जहां पर कम शोज में फिल्म पाप लेवल के कलेक्शंस कर रही है। एनिमल को 13,000-14,000 शोज की जरूरत नहीं, वो इतने ही शोज में फाड़ कलेक्शन कर रही है। तेलुगु वर्जन, लुक एट दिस। एंड संदीप रेड्डी वेंगा ने ये भी कहा कि मेरी फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी एडवांस बुकिंग लगी है। जस्ट इमेजिन, वो कितना नॉलेजेबल आदमी है, वो ट्रेड फॉलो कर रहा है, वो वीडियोस फॉलो कर रहा है, ही इज सीइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू एडवांस बुकिंग। एंड बात करो तेलुगु वर्जन की तो 1.56 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी तेलुगु वर्जन में फिल्में ओपनिंग नहीं लेती उतना, वहां पर ऑलमोस्ट 1.55 करोड़ की एडवांस बुकिंग करना छोटी बात नहीं है। एंड तेलुगु वर्जन हैज सोल्ड मोर देन 1 लाख टिकट, मैडनेस। तमिल वर्जन ने गाइस यहां पर 2 लाख की एडवांस बुकिंग की है, कनाडा ने 1,90,000 की एडवांस बुकिंग की है, मलयालम वर्जन अभी एडवांस बुकिंग खुली है। तो ये पहली फिल्म होगी जो सिर्फ नाम के लिए नहीं लिखा था, हिंदी तमिल कन्नड़ा मलयालम तेलुगु तमिल बाकायदा रिलीज हुई है, एक गणपत थी। इसका मलयालम वर्जन किधर, कन्नड़ा वर्जन किधर, कौन सा वर्जन किधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड टोटल गाइस ऑल इंडिया सुबह 14 करोड़ नेट की एडवांस बुकिंग हुई है, 14 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड पूरा वेडनेसडे बाकी है, पूरा थर्सडे बाकी है। एंड मैंने जो कहा था कि 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी वो होने वाला है। एंड द फिल्म हैज सोल्ड 5,05,000 टिकट, 5,05,000 टिकटें जो है बिक चुकी है पहले दिन की सिर्फ 8,850 शोज में। दिस शोज के शोज मायने नहीं रखते, योर क्रेज विद द ऑडियंस दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड बात करूं PVR INOX एंड सिनेपोलिस की तो नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस में ऑलमोस्ट 2,05,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। सब रिकॉर्ड टूटने वाले हैं नेशनल चेन के सबके, क्योंकि इस 2 दिन में
यूजुअली हम देखते हैं किस तरह से लास्ट 2 डेज में फिल्म जो है वो पेस पकड़ती है, एंड यही होने वाला है एनिमल के साथ। अब जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली सिटी वाइज ये फिल्म जो है वो किस तरह से जा रही है। दिल्ली NCR 750 शोज, एंड द बिगेस्ट मैडनेस इज इसमें से 330 फुल हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 165 फिलिंग है, 38% की ऑक्यूपेंसी है। लुक एट मुंबई, 540 शोज में वी हैव 100 फुल, 110 फास्ट फिलिंग, 23%। दिस फिल्म इज टेकिंग अ 50+ करोड़ ओपनिंग ऑन अ नॉन हॉलीडे। ये उन फेयर लिस्ट में आ जाएगी जैसे कि वॉर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, पठान, जवान, इनकी फेयर लिस्ट में। KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन, लेट्स सी कहाँ जाकर एनिमल जो है वो रुकती है जाकर। बात करो पुणे की, पुणे 174 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी है। नमो बेंगलुरु 423 शोज में ऑलमोस्ट 200+ फुल एंड फास्ट फिलिंग है, 20%। बट हैदराबाद इज सुपर्ब, 348 शोज है एंड ऑलमोस्ट 220-230 फुल एंड फास्ट फिलिंग है, 41% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता 245 शोज 18%, अहमदाबाद 386 शोज में 19%, चेन्नई 77 शोज में 48% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, सूरत 231 शोज में 12, जयपुर 85 शोज में 29%, चंडीगढ़ 83 शोज में 37, भोपाल 65 शोज में 20 एंड लखनऊ 137 शोज में 14। एनिमल इज गोना टेक अ क्रेजी राइड। अगर ऐसा हुआ तो 50 करोड़ नेट सिर्फ हिंदी वर्जन में आएगा। एंड जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि एनिमल पहले दिन 90-100 करोड़ जाएगी, ये कुछ भी कर सकती है गाइस। एंड ओवरसीज लिटरली थिएटर्स जो है ना वो पोस्ट कर रहे हैं कि यू ऑल हैव सोल्ड आउट ऑल आर टिकट्स, जहां जहां लग रही है टिकट वहां सोल्ड आउट हो रही है। एक्स्ट्रा एडिशनल शोज ऐड कर रहे हैं उन लोग यूएसए में, कनाडा में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। एंड अब मैं आपको तेलुगु वर्जन बताता हूँ। बेंगलुरु में 86 शोज में 18%, हैदराबाद 180 शोज में 50 फुल हो चुका है, 29 फास्ट फिलिंग है, 33% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई में 24 शोज में 29% है, विजयवाड़ा में 28 शोज में 37% ऑक्यूपेंसी है, वरंगल 16 शोज में 29, गुंटूर जिला 4 शोज 80%, लास्ट दिन 4-4 फुल हो जाएगा, वाइजाग 57 शोज में 29%। ये तेलुगु वर्जन से भी कलेक्शन लाएगा, तमिल से भी ला रहा है, कन्नड़ा से भी ला रहा है, तो पहला दिन किधर जाके रुकेगा, 52-53 ये कोई नहीं बोल सकता। एंड ओवरसीज 30-35 पकड़ के चलो, 50 और ग्रॉस ही 60 होता है, समझ में आ रहा है। तेलुगु तमिल ऐड हो गया एंड ओवरसीज ऐड हो गया, यू विल बी इन फॉर अ मैड शॉक। द थर्ड फिल्म हिंदी आउटराइट टू डू 100 करोड़ रुपीज। आदि पुरुष थी ऑब्वियसली, जवान थी, पठान थी, एंड अब एनिमल वो थर्ड फिल्म बन जाएगी आउटराइट। ऑब्वियसली आदि पुरुष भी थी, लेकिन ये फोर्थ फिल्म बन जाएगी टू क्लॉक 100+ करोड़ ऑन इस फर्स्ट डे। दिस इज मैडनेस। रणबीर कपूर एंड संदीप रेड्डी वेंगा हैव क्रिएटेड अ बीस्ट जो कि आने वाले समय तक लोग याद रखेंगे। अब फिल्म अच्छी हुई तो इसका लाइफ टाइम कहीं भी जा सकता है, 400-500 करोड़, कुछ भी हो सकता है। अब सब डिपेंड है इस फिल्म पे, एंड जिस तरह संदीप रेड्डी वेंगा कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है दे हैव क्रिएटेड अ बीस्ट कॉल्ड एज Animal. It's Navar Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as always, stay cool, man.